हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ये मेकअप ट्यूटोरियल सिर्फ जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले आप अपना सनब्लॉक यूज़ करो। जो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाते हो तो आप लोगों की स्किन डल हो जाती है, डंप हो जाती है, टू टोन्स हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप लोग पहले सनब्लॉक यूज़ करो, उसके बाद जितना भी आपका कॉस्मेटिक है आप उसको अप्लाई करो। यहाँ पर मैंने अपना सनब्लॉक और विटामिन सी ऑर्गेनिक ट्रेवल का यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पर हम अपना फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही हल्के कि जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ उन्हें जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करना है, नॉट अनफ होल फेस। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे मेरे डार्क सर्कल्स थे, मुझे ज़रूरत थी, वहाँ मैंने हल्का हल्का फाउंडेशन अप्लाई किया है। लाइट से आईब्रोज़ को मैंने फिल किया है, जहाँ जहाँ से मुझे ज़रूरत थी, मेरी लाइट सी आईब्रोज़ जहाँ से मुझे नज़र आ रही थी। उसके बाद सुपर नेचुरल लुक देने के लिए ये ब्राउन सा शेड मेरे पास रिवाज के आई पैलेट में है, तो वो मैंने अप्लाई किया है बिल्कुल ही लाइट के। आप अप्लाई करो और उसे अपने फिर फिंगर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लो। इसके बाद ये मैंने मस्कारा अप्लाई किया था। मस्कारा की ये मैंने हैक देखी थी एक यूट्यूब पे, जो मैंने अप्लाई किया था और एक विजिबल डिफरेंस मुझे जो नज़र आया है वो आप लोगों के सामने था। तो मैंने दोनों आँखों पे मस्कारा लगा के ये मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो गया। मेबेलिन की ये लिपस्टिक थी, नंबर था 65। इसे मैं अपने लिप्स पर एज अ बेस कोट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर दूसरा कलर लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा सा शेड बन जाता है इसे लगाने के बाद, ये ख़ुद भी एक नेचुरल लुक देता है। इसके बाद ये मेरे पास पिंक मेबेलिन का है 175 शेड, तो ये मैंने शेड अप्लाई किया था बेस लिप बेस के ऊपर जो मैंने इससे पहले अप्लाई किया था, तो बहुत ही नेचुरल से पिंक सा लुक दे रहा था। इसके अलावा ये जेड आउट का ब्लशन था, सैंडी डस्ट था शायद, ये मैंने लिया था। मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और क्यूट सा शेड है ये। इसके बाद ये मेरा फाइनल लुक था मेरे नेचुरल मेकअप के बाद। मैंने अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह की, क्योंकि बगैर बाल जो है बांधे तो हम पटाखा या यूनिवर्सिटी जा ही नहीं सकती ना, तो फिर फ़ायदा बाल सीधा कराए क्यों है, इसी वजह से तो कराए। खैर, इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सिवाय एक परफ्यूम और एक वॉच के लिए, और हम एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।